अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और मार्केट में कितनी किस्म की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है, लेकिन ये हमारी रवायती करेंसी जो कि फियाट करेंसी से रिलेटेड होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। जो हमारी रवायती करेंसी है वो दो तरह की सूरत में हमें मार्केट में मुयसर होती है, एक तो कैश की सूरत में यानी पैसे और फिजिकल उसका वजूद होता है, और दूसरा वो डिजिटल करेंसी भी होती है। जैसे कि इजी पैसा के जरिए अगर मैंने आपको पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में डिजिट्स ट्रांसफर कर दूंगा, फिजिकली पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा लेकिन ये डिजिट्स मेरे अकाउंट से माइनस होकर आपके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये पैसे की जो जमानत है वो जो इजी पैसा कंपनी है वो उसकी जमानत देता है, तो इस तरह पैसे एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है, क्रिप्टो करेंसी का फिजिकल कोई वजूद नहीं है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंटरनेट बेस्ड ही है, इंटरनेट होगा तो ट्रांजैक्शंस होगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा सिक्योर है, इसका नाम ही क्रिप्टो करेंसी है, यानी ये ऐसी करेंसी जो कि क्रिप्टोग्राफी से बनाई गई है, और क्रिप्टोग्राफी यानी ऐसे इंक्रिप्टेड कोड्स के जरिए बनाई जाती है ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो पैसा है उसको महफूज बनाया जाए ताकि कोई बंदा चोरी ना कर सके। तो क्रिप्टो करेंसी हमारी रवायती करेंसी से सबसे ज्यादा महफूज तसव्वुर की जाती है। रवायती करेंसी में जो बैंक्स हैं वो हमारी पैसे को महफूज भी करते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हमारी ट्रांजेक्शन को मैनेज करना, हमारे पैसे को महफूज करना और हमारी तमाम जो ट्रांजेक्शन का प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कितनी किस्म की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। अभी अगर आप गूगल पे क्रिप्टो करेंसी को सर्च करना शुरू हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गूगल पे नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आपको नजर आएंगी। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट में तकरीबन 8000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं और इनका 80-90% क्रिप्टो करेंसीज चाइल्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं, यानी ये किसी बड़ी से बड़ी क्रिप्टो करेंसी का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। और जाहिर बात है उसका मकसद जो है, जो हर क्रिप्टो करेंसी नई लॉन्च होती है उसका एक वाइट पेपर होता है जिसमें उसका पर्पस बताया जाता है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई जाती है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम तमाम क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बिटकॉइन कहेंगे। बिटकॉइन वैसे तो एक सिंगल करेंसी है लेकिन ये पायनियर करेंसी इसको कहा जाता है या फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी कहा जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का आगाज ही बिटकॉइन और बीटीसी की वजह से हुआ। सन 2008 में सतोशी नागामोटो नामी एक अननोन शख्स ने, या यूं कहें कि नंबर ऑफ पीपल्स ने, एक वाइट पेपर इशू किया जिसमें यह कहा गया कि हमें ट्रांजैक्शंस करने के लिए बायर और सेलर को हमें सेंट्रल बैंक्स की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक यूनिक आइडिया था और ये ऐसा रेवोल्यूशनाइज आइडिया हुआ कि दुनिया एकदम दंग रह गई। दुनिया परेशान हुई कैसे सेंट्रल बैंक्स के बगैर कोई बंदा अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, कैसे ट्रांजैक्शन को महफूज कर सकता है, और इस जो ट्रांजैक्शंस में और पैसे के लेन देन में जो फ्रॉड होता है उसे कैसे बच सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का ये जो वाइट पेपर था वो जैसे ही आया स्टार्ट में बड़ी तनकीद भी की गई कि जब सेंट्रल बैंक नहीं होगा ये तो फजूल है, ये तो बिल्कुल आइडिया नाकाबले अमल है। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त बिटकॉइन के एक कॉइन एक टोकन की वैल्यू अगर हम यूएसडी डॉलर अमरीकी डॉलर की बात करें तो तकरीबन 34,000 अमरीकी डॉलर के अगेंस्ट इसका एक टोकन है, एक कॉइन है। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसकी बात करें तो तकरीबन 50 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा इसके टोकन की वैल्यू है। तो इसकी क्या वजह है इस बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन को ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं, यानी अल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन्स। क्योंकि बिटकॉइन जैसे मैंने कहा कि फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी है, तो जितने क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन के बाद आए उनको ऑल्ट कॉइन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े कॉइन्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स भी हैं जो बिटकॉइन के साथ मैच करते हैं और टेक्नोलॉजिकली वो बिटकॉइन से बहुत ज्यादा एडवांस भी हैं। लेकिन बिटकॉइन चूंकि सबसे बड़ी और पायोनियर करेंसी है, इस वजह से इसका कैपिटल जो इसके पीछे पैसा है, इक्विटी है, वो तमाम करेंसी को मिला कर भी सबसे ज्यादा है। तो मैं ऑल्ट कॉइन्स की मेन करेंसी की बात कर रहा हूँ। अब ऑल्ट कॉइन में जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं, एक तो सबसे बड़ी इथेरियम है, लाइट कॉइन है, XRP यानी रिपल है, और बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं कि ऑल्ट कॉइन में जो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, जैसे कि इथेरियम है, इथेरियम BTC की तरह यानी बिटकॉइन की तरह एक करेंसी भी है और ये क्रिप्टो एक प्लेटफॉर्म भी है जिसके अंदर रहते हुए
आप और क्रिप्टो करेंसीज बना सकते हैं। और अगर इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त जितनी भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं उसका 80% जो नेटवर्क है वो सारे का सारा इथेरियम का नेटवर्क है। यानी इथेरियम के एज अ पेरेंट वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन काम कर रही है। बाकी 80% जो मार्केट की क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इथेरियम के नेटवर्क को यूज करते हुए मार्केट में आई हैं। अब तीसरी क्लासिफिकेशन हम टोकन्स की है। जैसे मैंने आपको कहा कि तकरीबन 80-90% जो है वो चाइल्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये सारी चाइल्ड क्रिप्टो करेंसीज टोकन्स की सूरत में इस्तेमाल होती हैं। दो तरह के टोकन्स होते हैं, सिक्योरिटी टोकन्स और यूटिलिटी टोकन्स। लेकिन टोकन को थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो टोकन क्रिप्टो करेंसीज होती हैं इनका अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं होता, इनका अपना कोई नेटवर्क नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं होता जिसके ऊपर ये काम करती हों, बल्कि जो मेन बड़े ब्लॉकचेन्स हैं उनके ऊपर ही ये क्रिप्टो करेंसी डिजाइन की जाती है। अब सिक्योरिटी टोकन क्या होता है उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। फर्ज कर लें कि जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी कंपनीज अपना शेयर सेल करती हैं, तो वो शेयर सेल करने के लिए बजाय इसके कि वो एक रवायती तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर करें, वो अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करके वो क्रिप्टो करेंसी अपने जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ शेयर कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हम यूटिलिटी टोकन्स की बात करें तो यूटिलिटी टोकन्स का मुराद यह है कि अगर आपने खास पर्पस के लिए कोई टोकन्स बनाने हैं, कोई करेंसी बनानी है, तो उसके लिए आप इथेरियम की बेस पे या कोई और इंडिपेंडेंट जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर अपना टोकन बना सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी बना के मार्केट में पेश कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।